जलमेव यस्य बलमेव तस्य, ए संधायक मेरी कर्म भूमि, भारतीय नौसेना की आन हेतु, ए संधायक मेरी कर्म भूमि, सभी सर्वे जहाजों का अभिमान हेतु। ये गाथा है हमारे समुद्री विरासत भारत के सबसे पुराने सर्वेक्षण जहाज INS संधायक की, जिसका जन्म हुआ 26 फरवरी सन 1981 में। अपने वीरतापूर्ण यात्रा के दौरान इसने 200 से भी अधिक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरे किए, जिसमें चिटागोंग और त्रिंकलोमाली श्रीलंका के सर्वे का विशेष महत्व है, जिसके कारण इन तटों को सुनामी के तुरंत बाद स्वचालित किया जा सका। कई महत्वपूर्ण अभियानों जैसे गैलेंट ऑपरेशन पवन, जिसके दौरान संधायक ने श्रीलंका में LTTE के विरुद्ध सजीव कार्यवाही में भाग लिया और 1996 को PNS गाजी को चिन्हित किया। 2004 सुनामी में ऑपरेशन रेनबो के तहत श्रीलंकन लोगों की सहायता की। 4 दशकों की निस्वार्थ सेवा के बाद 4 जून 2021 में इस पोत को सेवानिवृत्त किया गया। INS संधायक डीकमिशन्ड श्रीमान। जहाज सदैव अमर रहता है। INS संधायक की फिर से नए अवतार में आने की तैयारी होती है। संधायक का आंतरिक डिजाइन GRSE द्वारा किया गया तथा इस परियोजना को युद्धपोत अभिकल्प ब्यूरो तथा युद्धपोत निरीक्षक दल कोलकाता द्वारा संचालित किया गया। INS संधायक हमारे स्वदेशी ताकत का प्रतीक है, जो 80% से अधिक स्थानीय रूप से निर्मित है, जो आत्मनिर्भर भारत का शीर्ष उदाहरण है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्टील के साथ 8 नवंबर 2019 को की लेन के समारोह में संधायक के प्रभावशाली यात्रा की शुरुआत हुई। आदरणीय श्रीमती पुष्पा भट्ट के कर कमलों द्वारा 5 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया। ये वो दिन था जब इस बुलंद और सशक्त इरादों ने पहली बार लहरों को छुआ। इस जहाज में 200 किलोमीटर लंबी केबल, 11 किलोमीटर पाइपलाइन तथा 1400 टन स्टील का उपयोग शामिल था। देश के उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप इस जहाज में कई स्वदेशी उपकरणों को सुसज्जित किया है। संधायक सेल का गठन 20 फरवरी 2023 को हुआ। एक प्रतिबद्ध कप्तान के नेतृत्व में इस जहाज ने सारे परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया। कॉन्ट्रैक्टर समुद्री परीक्षण के दौरान जहाज ने पहली बार एंकरिंग किया और 18.59 नॉट्स की प्रभावशाली शीर्ष गति को प्राप्त करके पहले समुद्री प्रशिक्षण को सफल बनाया। डॉक से निकलने के बाद इसने एक बार फिर से गंगा सागर में फुल मशीनरी ट्रायल्स के दौरान कई सारे नेविगेशन तथा मशीनी परीक्षणों को आसानी से सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसमें जहाज की जान शक्तिशाली सर्वे मोटर बोट्स का भी परीक्षण किया गया। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हाइड्रोग्राफिक सूट से सुसज्जित, जिसमें ऑटोनोमस अंडरवाटर व्हीकल तथा रिमोटली ऑपरेटेड अंडरवाटर व्हीकल, उन्नत सोनार तकनीक के साथ INS संधायक समुद्र की गहराइयों को नापने के लिए तैयार है। जरूरत पड़ने पर ये एक अस्पताल जहाज की तरह भी काम कर सकता है। मशीन से ज्यादा मशीन के पीछे का व्यक्ति महत्वपूर्ण है। प्रत्येक योद्धा ने गहन प्रशिक्षण के द्वारा तकनीकी उपकरण के साथ प्राथमिक चिकित्सा, सुरक्षा नियमों तथा क्षति नियंत्रण उपायों में कौशलता हासिल की। संधायक टीम का निर्माण करिया जहाज पे साथ साथ काम करने के अलावा मैदान में भी बखूबी किया।
संधायक टीम के सभी योद्धा एक टीम एक लक्ष्य के आदर्श के साथ तैयार हैं। नौसेना दिवस के शुभ अवसर पे इस जहाज को GRSE द्वारा नौसेना को सौंप दिया गया। इसके उपरांत संधायक ने अपनी जन्मभूमि कोलकाता से अपनी कर्मभूमि विशाखापट्टनम का सफर तय किया। आज प्रवक्तिकरण के इस पावन अवसर में लहरों का पहरेदार INS संधायक गर्व से खड़ा है, जो मान है, शक्ति है, प्रतिष्ठा है, ना सिर्फ नौसेना के लिए बल्कि हमारे भारत देश के लिए। भारत योद्धा। जय जय जय।